ऐश्वर्या, पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स को शुगर्स कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे शुगर्स जब जोड़ते हो तो उसे पॉलीसेकेराइड बनता है। एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल को सेकेराइड कहेंगे, और बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ओके सर, आएगा एक टॉपिक बायो मॉलिक्यूल, उसके अंदर आपको ये चीज आएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ऐसी ताकत उस टिश्यू में होती है कि आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, वो स्ट्रेच होगा लेकिन टूटेगा नहीं, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ जयेश, सर रिपेयरिंग, पेरिटोनियम, हाँ पेरिकॉन्ड्रियम ना, पेरिटोनियम पेरिटोनियम। हाँ कहाँ पे पढ़ा आपने पेरिटोनियम? एरुलर टिश्यू लास्ट लाइन। बराबर, एरियोलर टिश्यू का लास्ट लाइन, राइट। इज फाउंड अंडर द स्किन, मसल्स, बोन्स, वहीं पे ना। यस सर, ओके, 1 मिनट। हाँ हमारे स्टमक के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, या पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। ओके सर, थैंक यू। ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इक्सेंट्रिक, हर्षदा इक्सेंट्रिक का अर्थ अवे फ्रॉम द सेंटर, नॉट इन द सेंटर। ओके सर, थैंक यू। जयेश, हिपेरिन आणि हिस्टामिन तू विचारलेस, तर जयेश हिपेरिन आणि हिस्टामाइन आर प्रोड्यूस्ड इन द एरियोलर टिश्यू। उसमें से हिपेरिन जो है, हिपेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट। हिपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट मतलब ये ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में बहना चाहिए, उसके अंदर वो खून जमना नहीं चाहिए, ये हिपेरिन का काम है। और हिस्टामाइन जो है ये बनता है ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशंस। मानो कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आ जाए तो हमारे बॉडी में वो सब्सटेंस से तकलीफ होती है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे सेल्स क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके। अच्छा जय श्री, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी माने पेरीफरी, बाउंड्री, बराबर। कार्टिलेज का, टिश्यू का बाउंड्री, बोन का कवरिंग, बोन की कवरिंग को कहेंगे पेरियोस्टियम, और कार्टिलेज को पेरिकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम कहने का रीजन और एक है, कॉन्ड्रियम कहने का रीजन ऐसा है कि हमारे कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स है उन सेल्स पॉन्ड्रिंग। हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, बराबर। तो कॉन्ड्रोसाइट्स को ये कवर करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? पेरिकॉन्ड्रियम। वैसे बोन के अंदर हमारे 3 टाइप के सेल्स होते हैं। अभी एश्ले ने भी वो सवाल पूछा है, बोन के अंदर के 3 टाइप की सेल्स, एक है ओस्टियोब्लास्ट ना, फिर
ओस्टियोसाइट यस ओस्टियोसाइट और तीसरे है ओस्टियोक्लास्ट तो तीनों अलग अलग है मतलब तीनों के काम में फर्क है ओस्टियोक्लास्ट जो है इनसे बनते ये सेल्स एक्टिव और इनएक्टिव वर्ड यूज किया है ना कौन से सेल्स इनएक्टिव है ओस्टियोब्लास्ट ये एक्टिव है ओस्टियोसाइट इनएक्टिव है और ओस्टियोक्लास्ट जो है ये क्या करते हैं ये बोन को ब्रेक डाउन करते हैं बोन को क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन करते बुक में इसका फंक्शन मेंशन नहीं किया है सर रिपीट कर सकते हो यस बोलो बेटा सर रिपीट कराना नेटवर्क प्रॉब्लम होता काय रिपीट करू हे तिघ हाँ सर अच्छा ओस्टियोब्लास्ट म्हणजे ऍक्टिव्ह सेल्स ऑफ बोन ओस्टियोसाइट म्हणजे इनऍक्टिव्ह सेल्स ऑफ बोन आणि ओस्टियोक्लास्ट म्हणजे जे बोनला ब्रेक डाऊन करतात ते सेल्स त्यांना म्हणायचं ओस्टियोक्लास्ट अच्छा टेंडन लिगामेंट सब समझ में आया क्या आपको यस सर ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ना इसकी खासियत क्या है बताता हूं आपको इसमें एक होता है मैट्रिक्स फिर उस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं सेल्स और सेल्स के साथ होते हैं फाइबर्स तो ये तीन चीज आपको नजर आएगी मैट्रिक्स सेल्स एंड फाइबर्स ठीक है सेल्स अलग अलग नाम है हर कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग सेल्स के नाम है फाइबर्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं येलो फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स येलो फाइबर्स बने हैं इलास्टिन नाम के प्रोटीन से और व्हाइट फाइबर्स बने हैं कोलेजन प्रोटीन से येलो फाइबर्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं सिंगल एंड ब्रांच्ड जैसे ये वाई हमारा वाई देखो ब्रांच है कि नहीं ऐसा ही ये फाइबर जबकि व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं ये बंडल्स होते हैं इनके ग्रुप्स होते हैं एंड दे आर अनब्रांच्ड मानो आपने पांच लकड़ियां साथ में इकट्ठा बांध दी तो बंडल बन गया तो बंडल और वो लकड़ियां सारी अनब्रांच्ड वो क्या है व्हाइट फाइबर्स तो येलो फाइबर की वजह से हमें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है जबकि व्हाइट फाइबर्स की वजह से मिलती है स्ट्रेंथ क्या मिलती है स्ट्रेंथ मिलती है ये सब बोन का स्ट्रक्चर जानना है ये एक क्वेश्चन है और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या टेंडन के बारे में लिगामेंट के बारे में चलो टेंडन क्या करते हैं Muscles to bone. Yes, tendons connect muscles to bone. बराबर तो ये strong होने चाहिए इसलिए इनके अंदर ज्यादा क्या होंगे White fibers. बराबर लेकिन ligament जो है वो किसको किसके साथ join करता है Bone to bone. Bone के साथ join करता है और bone से bone जहां connect होता है उसको हम joint बोलते हैं जैसे मेरा ये एल्बो जॉइंट है या ये wrist जॉइंट है या इधर भी ये गर्दन में जॉइंट है बराबर तो ऐसी जगह पे दोनों बोन्स को जोड़ने का काम किसका है लिगामेंट का तो इनमें क्या ज्यादा होगे येलो फाइबर वेरी गुड इसमें ज्यादा होंगे येलो फाइबर्स ठीक है तो चलो बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती है बट डेफिनेटली आप समझ जाओगे मैं वो स्ट्रक्चर ही शेयर कर देता हूं और सब में एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूं ये दिख रहा है बोन का स्ट्रक्चर यस सर संग दो बेटा एक्सटेंसर का अर्थ जे मसल्स
आपल्या बॉडीला किंवा बॉडी पार्टला दूर नेतात बॉडीपासून, आणि फ्लेक्सॉर म्हणजे ज्यांना जवळ आणतात. जसं आता हे बायसेप्स आहेत, इकडे दोन्ही प्रकारचे आहेत, दूर नेणारे पण आणि जवळ आणणारे पण, त्यांना म्हणायचं एक्सटेन्सॉर आणि फ्लेक्सॉर. ठीक आहे, हे तुम्ही शिकाल शेवटच्या टॉपिक मध्ये, ह्युमन लोकोमोशन टॉपिक मध्ये. ओके, जय श्री. पेरिकॉन्डियम सांगितलं ना मी, कार्टिलेजच्या वरच्या कव्हरला तिथे दिसतंय बघा समोर, पेरिकॉन्डियम दिसतच आहे. एपिफायसलचा अर्थ बोनचे जे एंड असतात ना त्याला एपिफायसल म्हणतात. ठीक आहे, लॉंग बोन जे असतात त्यांचं जे एंड असतो टोक त्याला म्हणायचं एपिफायसल प्लेट किंवा एपिफायसल. ठीक आहे, सो कमिंग बॅक टू स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो जब आप बोन का स्टडी करते हो ना तो सबसे पहले बोन का एक ट्रांसवर्स सेक्शन आप लेते हो. मान लो मेरे हाथ में मार्कर नहीं है, बोन है, तो इसका मैं ऐसे आड़ा सेक्शन लूंगा तो मुझे अंदर के सारे पार्ट्स नजर आएंगे, एकदम थिन स्लाइस होगा, एकदम माइक्रोस्कोप के नीचे रखना होगा, तो इसको एकदम थिन सेक्शन में लूंगा ताकि अंदर का सारा पार्ट मुझे क्या हो, विजिबल हो जाए. एक मिनट, हाँ मैसेज. हाँ बेटा, दोन्ही एंड. ठीक आहे, किंवा मग जे दोन बोन एकत्र जिकडे येतात ना त्याला पण एपिफायसल प्लेट म्हणतात. सो बोन का अगर सेक्शन लेते हैं तो ऐसा गोल सेक्शन आएगा. अब इस गोल सेक्शन के अंदर आपको ऐसे रिंग्स नजर आएंगी. ठीक है, और हर रिंग के अंदर भी और रिंग्स होंगी इस तरह से. तो ये जो रिंग्स है इनको कहते हैं हम हैवर्शियन सिस्टम. क्या कहते हैं इसको? हैवर्शियन सिस्टम. और वही हैवर्शियन सिस्टम आपको ऊपर वाले डायग्राम में भी, मतलब बीच वाले डायग्राम में दिख रही है. सबसे नीचे बोन है, बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है. अब उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं? हैवर्शियन सिस्टम देख रहे हैं. तो हैवर्शियन सिस्टम में क्या होगा, लेट अस सी. हैवर्शियन सिस्टम में एक सेंटर रहेगा ऐसा, इसको कहेंगे हैवर्शियन कैनल, और इसके चारों तरफ से बोन के सेल्स अरेंज होंगे. चारों तरफ से क्या होंगे? बोन के सेल्स अरेंज होंगे. ठीक है, तो ये जो बोन के सेल्स है इनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स. ऐसे सब अरेंज होंगे, इधर भी इनका लेयर होगा. इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ज्योमेट्री में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है सर्कल टॉपिक में, कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? कॉमन सेंटर होगा, बराबर. सर्कल्स मल्टीपल होंगे लेकिन सेंटर एक ही रहेगा सबका, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक. तो ये सेल्स आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग. अब ये सेल्स का एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन भी बनता है. ठीक है, और इस कनेक्शन के लिए वर्ड होता है कैनेलिक्यूली. क्या कहते हैं इस कनेक्शन को? कैनेलिक्यूली, दे आर कॉल्ड एज कैनेलिक्यूली. और सेंटर में एक कैनल है जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल दिख रही है, ये सेंटर के अंदर, इसको सेंटर वाले कैनल को कहते हैं हैवर्शियन कैनल. उधर मेंशन नहीं है बट इट इज कॉल्ड एज हैवर्शियन कैनल. और फिर जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है वो इतने एक हिस्से का डायग्राम है. ठीक है, ये इतना हिस्सा वहां पे उस डायग्राम में दिखा है. तो आप उसमें देख सकते हो क्या क्या दिया है. एक तो सेल दिया है बोन का ऑस्टियोसाइट, उसके अंदर लैक्यूना, और उससे निकलने वाले सारे कैनेलिक्यूली दिख रहे हैं. ओके, आज समझ लगा बेटा है तुला? यस सर. ओके, यस दीप, समझ गया ना तुला? हो सर. कितने उत्तर दिला ना? हाँ ओके दीप, कहाँ गए, घर में ही है. चलो ठीक है, और कुछ है यहाँ पे पूछना है किसी को? कनेक्टिव टिश्यू हम कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट इश्यू की तरफ जाने वाले हैं.
यस अच्छा आर्टेरियल के बाजू में क्या है, एक मिनट हाँ वेन्यूले वेन वेन अच्छा आर्टरी और वेन के बाजू में क्या है ओके येलो कलर का कुछ दिखा है ना लेबल नहीं दिया उसका तो इसके अंदर आर्टरी और वेन होती है ये तीसरा पार्ट तो मेरी भी नजर से निकल गया और उसका लेबल भी नहीं है चलो मैं चेक करता हूँ बेटा बता दो अगर कुछ है तो ठीक है लिम्फ वेसल येलो हो सकता है यस एक पॉसिबिलिटी है बट मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको ठीक है ओके अब कुछ नहीं है अगर यहां पे पूछने के लिए तो गो फॉर द थर्ड टिश्यू जो कि है मस्क्यूलर टिश्यू तीन मसल फाइबर्स है इसके बाद रिदम शुभांगी श्वेता भारती वैभवी प्रतीक सिद्धार्थ निरंजना तुमचे क्वेश्चन्स नाही आले जास्त काही सर फॅसिक्युला आहे फॅसिक्युला इज अर्थ ग्रुप ऑफ फायबर्स त्याला म्हणतात फॅसिक्युला सर पेरिमायसियम हा दाखवतो Perimysium is the covering of fasciculi. ये देखो दिख रहा है आपको फैसिकुला है और फैसिकुला के चारों तरफ से उसका मेम्ब्रेन कवरिंग उसको कहते हैं पेरिमाइसियम ओके सर ये इधर भी और क्लियरली दिखेगा देखो दिस इज अ बेटर डायग्राम जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको यस सर यस दिस इज अ पेरिमाइसियम और पूरे पूरे बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा मसल का उसको कहेंगे एपिमाइसियम देखो कैसे एक मसल के अंदर कितने कितने पार्ट्स है मसल के बाहर का मेम्ब्रेन एपिमाइसियम
बराबर। फिर उसके अंदर बहुत सारे क्या है, फैसिकल्स है, हर फैसिकल के ऊपर पेरिमाइसियम और फैसिकल के अंदर फाइबर्स है, फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स है और मायोफाइब्रिल के अंदर और छोटे छोटे फाइबर्स है, मतलब थिन फाइबर्स है। ओके जयेश कर दो। यस एडिशन म्हणजे कनेक्टिंग किंवा जॉइनिंग, बरोबर आहे। चलो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो अभी जो हमने देखा वो स्केलेटल मसल था, उसके स्ट्रक्चर में जो मायोफाइब्रिल्स है उनका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड जो है वो वहां पे दिखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो, ये लाइट और डार्क बैंड मायोफाइब्रिल के अंदर स्ट्रक्चर। तो मायोफाइब्रिल में क्या होता है, देखो मायोफाइब्रिल का एक सिंगल यूनिट जो होता है इसको कहते हैं सार्कोमियर। इस सार्कोमियर में दोनों तरफ होते हैं आई बैंड, और आई बैंड के बाजू में जो लाइन होती है इसको कहते हैं जेड लाइन। इधर भी ये क्या है, जेड लाइन, और बीच में होता है ए बैंड। बट इस ए बैंड को ये मानो पूरा ए बैंड है, ये बाजू में दोनों आई बैंड है, और इसके सेंटर में जो पार्ट है इसको कहते हैं एज बैंड, और एज बैंड के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसको कहते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं इसको, एम लाइन। तो ये एक सार्कोमियर है, अब इससे जुड़ेगा दूसरा सार्कोमियर, तो उसमें वापस आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, बराबर। फिर ए बैंड के अंदर सेंटर में क्या होगा, एज बैंड। फिर एज बैंड के सेंटर में क्या होगा, M line, A band, yes बेटा, no sir, बताया, okay ठीक है। तो एक सार्कोमियर, दूसरा सार्कोमियर, तीसरा सार्कोमियर, ऐसे अनेक सार्कोमियर्स होंगे। तो जब एक सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाजू वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाजू वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब सार्कोमियर रिलैक्स होंगे तो मसल रिलैक्स होगा। बिल्कुल हमारे स्प्रिंग की तरह, आपके बॉल पेन में जो स्प्रिंग है उसके अंदर गोल 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 है, आप उनको दबाओ तो दब जाते हैं और छोड़ दोगे तो रिलैक्स होते हैं, एक्सपांड नहीं होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो एक को दबाते हैं, दूसरे को दबाते हैं तो पूरा स्प्रिंग दब जाता है। वैसे ही सार्कोमियर दबते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ऐसे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, इसलिए उनको, इन बैंड की वजह से टिश्यू को हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल फाइबर। स्ट्राइटेड मतलब उसमें क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप्स, जैसे टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स है, जेब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स है, वैसे स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, समझ लो बेटा। हो सर, ओके, हो सर, यस, गुड। किसी को और कुछ पूछना है? दीपक, फिलहाल हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी पोर्शन में कुछ कुछ चीजें उड़ाई है, मैं फाइल बाद में शेयर करूंगा टेस्ट के बाद। ओके सर, हाँ, फाइनल एग्जाम के लिए जो डिलेटेड पार्ट है वो नहीं रहेगा। ओके सर, विच मसल्स आर क्विक टू मूव, व्हाइट और रेड, एक मिनट, सर नेट के लिए वो टॉपिक आएगा ना सर? आएगा 100% बेटा। ओके सर, सर डिलेटेड टॉपिक कुठले आहेत? आता नाही, एग्जाम नंतर सांगणार सर। अभी के लिए सब आएगा ना सर? हेलो सर, वीडियो इज पॉज, सर वीडियो इज पॉज।
यस सर, योर व्हिडिओ इज पॉज्ड. अब ठीक है? यस सर. ओके सर, अभी के लिए सब टॉपिक आएंगे ना सर? यस बेटा, यस बेटा. ओके सर. सर मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन ये मसल के प्रोटीन का नाम है. ओके सर. अच्छा, एशली ने सवाल पूछा, रेड मसल और व्हाइट मसल में क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा स्पीड में काम करता है? तो व्हाइट मसल में कॉन्ट्रेक्शन तेजी से होता है, रेड मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन स्लो होता है. ठीक है. सर थोड़ा ने फोन करूं, एक लेक्चर चल रहा है सर. हाँ, त्या यांचा फोन आला सर, स्नेहाच्या वडिलांचं, त्यांना पेमेंट द्यायला यायचं होतं. हाँ बरोबर. ओके ओके. ठीक आहे. ओके सर, चालेल सर. मी लेक्चर संपलं की फोन करतो, रिव्हिजन लेक्चर करतो. ओके सर, थँक्यू सर. हो सर. ओके सर. हाँ एक्चुअली फर्क तो क्लियर हो गया ना, तो क्विक मूवमेंट किसमें? व्हाइट मसल्स में. शुभांगी शर्मा लेफ्ट. ओके. नेटवर्क इश्यू हो गया था. हाँ शुभांगी, समझ रहा हूं. मेरे साथ भी हो रहा है ना, अभी मैं भी बाहर निकल गया था, बट देन चलो, जैसे आप भी क्विकली आ गए, मैं भी क्विकली आ गया. यस, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट टिश्यूज? तीन टाइप के मस्क्यूलर टिश्यू है, एच एंड आई के बीच में कोई अल्फाबेट नहीं है, मतलब नहीं समझा बेटा मैं, ये इसकी बात कर रहे ना आप? ये बीच में एम लाइन होती है बेटा, एम लाइन. तनिश आप हो ना? अच्छा तनिश नहीं, तनिश. यस सर. आपने कुछ पूछा बेटा, क्या पूछना है आपको? हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आपने ये सैक्रोमियर का एक बनाया है, तो सर इसमें ये इसमें जो एच और आई अल्फाबेट है, तो ये लोग के बीच का जो टिश्यू पार्ट है उसमें कुछ अल्फाबेट का नहीं है? नहीं, अल्फाबेट्स नहीं है बेटा, ये पूरा नाम अंदर इसके फाइबर्स है, जैसे वो ऑप्टिकल फाइबर का बंडल आते, देखो केबल का, उसके अंदर छोटी छोटी वायर रहती है, वैसा है मसल. ठीक है. तो तीन टाइप के मसल्स आपने पढ़े हैं, एक है स्केलेटल मसल. ठीक है, चलो मैं क्विकली तीनों को समराइज कर देता हूं कंपेयर करके. स्केलेटल, फिर स्मूथ, और फिर कार्डियक. कार्डियक बराबर है. स्केलेटल जो है वो कहां पे होते हैं? बोन्स के साथ रहते हैं, स्केलेटन के साथ रहते हैं. स्मूथ मसल्स कहां पे है? हमारे यस सर, बता रहा था सर. अब बता ना, बोलो ना बेटा. विसरल ऑर्गन. हाँ, विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन मतलब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाएगा. और कार्डियक होता है कहां पे? हार्ट पे. लोकेशन हो गया. अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स शो स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशन में ऐसे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्राइएशन. स्ट्राइटेड होते हैं और ये अनब्रांच होते हैं.
अनब्रांच्ड में पूरा एक पूरा मसल रहेगा, उसमें ब्रांचिंग नहीं होगा। स्मूथ जो है अनस्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्रिएटेड। स्ट्रक्चर कैसे होगा दिखने में, क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? ब्रांचेड, फ्यूजीफॉर्म। हाँ फ्यूजीफॉर्म, हाँ फ्यूजीफॉर्म से, वेरी गुड। फ्यूजीफॉर्म का मतलब ये ऐसा दोनों तरफ नैरो और बीच में चौड़ा, उसको कहते हैं फ्यूजीफॉर्म शेप। और हार्ट की जो मसल्स हैं स्ट्राइटेड हैं, स्ट्राइटेड यस सर, और उसमें ब्रांचिंग जैसे दिखती है, ठीक है। फिर फंक्शन वाइज देखें तो ये वॉलंटरी मसल्स है, मतलब आप चाहोगे तो काम करेंगे। वॉलंटरी यानी इच्छा, वो हमारी इच्छा पे काम करते हैं, हम चाहेंगे तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा। इनके लिए ऐसा नहीं है, ये इनवॉलंटरी है, मतलब आप चाहो नहीं चाहो ये काम करते रहेंगे, बर्थ से लेके डेथ तक काम करते रहेंगे, इनवॉलंटरी है। और इनके बारे में ये भी कैसे है, इनवॉलंटरी। हार्ट का बीटिंग 24 आवर्स चलते रहता है, बर्थ से डेथ तक हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को, क्योंकि वो मसल्स इनवॉलंटरी, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। यस सर, बोलो बेटा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 में है ना, तो उसमें जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दिया है ना, वो जो दो डायग्राम देखो, दो डायग्राम अलग अलग, इनके एक है, एक नहीं एक ट्रांजिशनल है ना बेटा। हाँ यस सर, हाँ दो दिया, ए बी ट्रांजिशनल एलिमेंट होगा, एपिथेलियल होगा। यस यस सर, ओके ओके, ठीक है, डन। यस सर, मसल्स डन एवरीवन। यस सर, यस सर, यस बोलो। यस सर, सर न्यूरल स्टिमुलस। हाँ बताता हूँ, न्यूरल स्टिमुलस है ब्रेन की तरफ से जब स्टिमुलस आता है तो उसको न्यूरल स्टिमुलस कहते हैं। न्यूरल मतलब ब्रेन, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे न्यूरल स्टिमुलस वाला? इन सम एनिमल्स कार्डियक मसल्स नीड neural stimulus to initiate the contraction, such a heart is called neurogenic heart. और बाकी organism में it is myogenic, जैसे आपका मेरा heart myogenic है, बराबर। तो neurogenic और myogenic में क्या फर्क है देख लेते हैं। जब heart के muscles का contraction nervous system तय करेगा, neurons तय करेंगे, तो उसको कहते हैं neurogenic heart. Neurons stimulate the contraction of heart muscles. जैसे lower animals है, cockroach वगैरह जैसे animals है, इनमें heart इनका heart neurogenic है, मतलब इनका nervous system तय करता है heart का pumping action. लेकिन जो higher animals है उनमें myogenic है, brain का heart से connection नहीं, heart खुद अपना beating करता है। मतलब कार्डियक मसल्स जनरेट देयर ओन स्टिमुलस, मतलब कार्डियक मसल खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपने आप होते हैं, ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का वहां पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्लियर, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक सबको? हायर ऑर्गेनिज्म में मायोजेनिक है, लोअर में न्यूरोजेनिक है। यानी दिल का और दिमाग का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो दिल बोलता है वड़ा पाव खाने का, बट दिमाग हमारा ऐसा है वो बोलता है नहीं नहीं भाई बाहर नहीं खाने का कुछ भी, वो नुकसान करेगा, बराबर। सुननी किसकी चाहिए, दिल की दिमाग की? दिमाग, वेरी गुड।
जो दिमाग से सुनेगा ना, दिमाग की सुनेगा, वो हमेशा सारी चीजें कंट्रोल में करेगा, और जो दिल की सुनेगा उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके हाँ बोलो। टाइप ऑफ सेल जंक्शन आएगा? नहीं, सेल जंक्शन आएगा नहीं, टाइप है नहीं, नहीं है, नो। ओके ओके ओके। तो मस्कुलर सबके लिए हो गया है। नर्वस देखना है, जरा देख लो नर्वस में क्या क्या है। दो टाइप के सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में, एक जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल, और दूसरे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, गो थ्रू दैट। सर योर वीडियो इज पॉज्ड। सर योर वीडियो इज पॉज्ड। सर वीडियो इज पॉज्ड। न्यूरॉन मतलब नर्व ना? हाँ, नर्व सेल। ओके। हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल कहलाते हैं न्यूरॉन्स। ओके सर। काफी लंबे होते हैं। ओके। और उनके साथ जो होते हैं वो न्यूरोग्लियल। दोनों में फर्क ये है कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते, they are non dividing cells, jabki neuroglial cells can divide. matlab message ko idhar se udhar pahunchana, jabki neuroglial cells ka kaam neurons ke kaam mein help karne ka hai. network thoda down hai but chalo theek hai, fir bhi aapko dikh rahe to achhi baat hai, awaaz bhi shayad aa rahi hai. okay, ha bolo beta. सर वो जो स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन है ना, वो जो स्ट्रक्चर, हाँ सर, वो अपने बॉडी में मतलब तब अपने बॉडी में वो जो एक स्ट्रक्चर है वो अपने बॉडी में बहुत सारे की एक ही, वो एक ही है मतलब? सब टाइप के न्यूरॉन्स है बेटा, अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में. सुजन लेट आलास ना तू थोड़ा सा, हाँ आणि यश गायब झाला बघ. आता त्याला तुझ्याकडे बोलव. चलो काही डाउट असतील तर विचारा फटाफट. चलो 20 लोग हो आप, तो 20 लोगों का एक एक डाउट भी देखे तो 20 डाउट होने चाहिए. हाँ बोलो दीपक सर. हाँ बोलो सर. आरईआर और ग्रेन्यूल, आरईआर एंड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड निसेल ग्रेन्यूल्स, उसका मतलब है सर? उसका एग्जांपल से ना मतलब है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके सर. ओके सर. आपने पढ़ा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक्चुअली देयर मल्टीपोलर, मोलार नहीं बेटा, मल्टीपोलर. मोलार तर दात असतात आपले इकडे इकडे बाजूचे दातांना मोलार म्हणतो आपण. आर्बोरायझेशन, पूर्ण वाक्य वाचशील दर्शवता पहिले? यस सर. द टर्मिनल आर्बोरायझेशन ऑफ एन एक्झॉन इज कॉल्ड टेलोडेंड्रॉन. हा म्हणजे त्याचा एंड. ओके सर, थँक यू. नर्व फायबरचा जो एंड असतो ना त्याला आर्बोरायझेशन म्हणतात. ओके सर. ऍक्च्युअली दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं. ग्रॅन्युल माने दानेदार होता है दिखने में वो पार्ट. ग्रॅन्युल माने दाने, जैसे आपका बोन मीटा है ग्रॅन्युलर है.
बट आटा ग्रैनुलर है क्या? नहीं, बराबर है। वैसे इनका जो साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। उसके अंदर आपको दाने दाने जैसे दिखते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, उनको कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है सर, जो राइबोसोम, सर जो राइबोसोम्स है वो सब सेल में प्रेजेंट होते सर? हाँ बिल्कुल, हर लिविंग सेल में राइबोसोम होंगे, क्योंकि हर लिविंग सेल में प्रोटीन्स बनते हैं और राइबोसोम की मदद से ही प्रोटीन्स बनते हैं। ओके सर, बराबर ना ऐश्वर्या, आपने भी पूछा था एक बार। ओके ऐश्वर्या ने पूछा है मोटर क्या है, तो ऐश्वर्या न्यूरॉन के वर्किंग दो तरह से होता है, एक को कहते हैं मोटर न्यूरॉन और एक को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सर सर बोलो बोलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि मोटर न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं ना? सर स्पेसिफिक नहीं सांगता ना बेटा, कहीं त्यांच्या कामावरून ठरला आहे शब्द, त्यांच्या स्ट्रक्चरवरून हा शब्द नाही बनलाय। उनका वर्किंग सेंसरी न्यूरॉन मेसेज लेके आएगा ब्रेन के पास और ब्रेन से रिप्लाई लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन। जैसे मैंने इधर पिन से प्रिक किया तो मैं वो मैसेज गया ब्रेन के पास, वो लेके गया सेंसरी न्यूरॉन और ब्रेन ने बोला भाई हाथ को दूर कर, तो वो काम किसने किया? मोटर न्यूरॉन ने किया। यस सर, यस कुली जॉइंड अगेन। हाँ बोलो बेटा। सर पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, बाउंड्री को पेरिफेरी बोलते हैं। जैसे अभी ये मेरे बोर्ड का बाउंड्री है तो उसको मैं पेरिफेरी बोलूंगा, या ये मोबाइल का बाउंड्री है तो ये क्या है? इसका पेरिफेरी है। ओके सर, सो देखो एक सेंटेंस है, स्वान सेल शोज न्यूक्लियस एट पेरिफेरी, उसका मतलब बताना सर। मतलब सेल के नॉर्मली अभी सेल है तो ये सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन जो श्वान सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस ऐसा किधर? एक बाउंड्री की तरफ है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके सर, ओके सर। इसको और एक वर्ड आप पढ़ोगे बुक में, ऐसा बाजू में हट जाता है ना, उसको कहते हैं ईस्ट सेंट्रिक, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके सर, यस। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? सब लोग जरा एक बार देख लो, आज ऐसा तैयारी करो कि दोबारा देखना पड़े। हाँ बोलो दीपक, बोलो तनिष। आर्बोराइजेशन, यस तनिष? यस सर। अच्छा अभी देखो तनिष, न्यूरॉन जो होता है ना उसमें ऐसे एक लंबा सा एक्सॉन होता है और उस एक्सॉन के एंड में ऐसे वापस फाइबर्स होते हैं, इसको कहते हैं आर्बोराइजेशन। ऐसा न्यूरॉन के एंड को क्या कहते हैं? आर्बोराइजेशन। ठीक है दीपक, कुछ बोल रहे थे आप? सर वो पता है उसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ न्यूरॉन बाइफर्केट हो जाते हैं ना बेटा, उसमें और फाइबर्स आ जाते हैं इसलिए उसको आर्बोराइजेशन बोलते हैं। यस दीपक बराबर। वैसे पेरिफेरी वर्ड पूरी सब जगह यूज होता है बेटा, न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होता। ओके सर, ओके सर। कत्यायनी, ओके। कंडक्टिविटी एंड साल्टेटरी होगा कत्यायनी, साल्टेटरी नहीं होगा, स्पेलिंग एक बार स्पेलिंग देख लो। जो कंडक्टर जंप करता है स्पीड में जाता है ना उसको साल्टेटरी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होता है? जिनमें सर, हाँ बोलो 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 सर, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ मैं बोलता हूँ फिर तो,
हाँ कत्यानी, आप कत्यानी ने क्वेश्चन पूछा है साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है. साल्टेटरी, तो बेसिकली साल्टेटरी इज व्हाट, रैपिड कंडक्शन, फास्ट, जंप करने वाला, हॉप करने वाला, जंपिंग करते हैं, हिप हॉप, हॉप जानते हो ना. तो क्या होता है देखो, कुछ न्यूरॉन होते हैं जिनमें ऐसे कवरिंग होता है, इस कवर को हम कहते हैं माइलिन शीथ. क्या कहते हैं इसको, माइलिन शीथ. जिनमें माइलिन शीथ होता है उनमें कंडक्शन रैपिड होता है, और ऐसे कंडक्शन के लिए क्या वर्ड है, साल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, अंडरस्टूड कत्यानी, क्लियर हो गया आपको. थैंक यू सर. ओके, हाँ जयेश तुला आंसर दिला ना, मी नाही करत म्हणून. न्यूरो क्लियर करतात, न्यूरो नाही करत. हाँ बोलो बेटा. सर अभी अभी हम लोग मल्टीपोलर का, मल्टीपोलर न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हाँ, जब लेबल करते हैं ना, तो हाँ, उसमें डेंड्रिटाइट्स और ये डेंड्रॉन का मतलब कौन से पॉइंट में लेबल करना है, मतलब कि कहाँ पे दिखाना है. साइटॉन के ऊपर जो होते हैं वो डेंड्राइट्स, और एक्सॉन के नीचे जो अभी दिखा है इधर मैंने नीचे, उनको टेलोडेंड्रॉन बोलते हैं. देखो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का इधर ऊपर ऐसा ये सेल रहेगा, तो इस सेल से जो ऐसे निकले ना, दीज आर ऑल व्हाट, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स. डेंड्रॉन, ठीक है ना. यस. और डेंड्रॉन के एंड्स को डेंड्राइट कहते हैं, जबकि इधर इधर जो आर्बोराइजेशन दिखा है इसको कहते हैं टीलोडेंड्रॉन. सर न्यूरोप्लाज्म, बेटा अंदर जो फ्लूइड है ना पूरा, साइटोप्लाज्म, तो जो पॉइंट पॉइंट जो है वो, हाँ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है. पॉइंट पॉइंट मतलब ग्रैन्युल्स दिखा है. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूरॉन भी एक सेल है, उसके साइटोप्लाज्म को हमने नाम न्यूरोप्लाज्म दिया है. मसल्स के साइटोप्लाज्म को नाम सार्कोप्लाज्म दिया है. अभी मसल पढ़ा थोड़ी देर पहले, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म और न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म. यस सर. ओके चलो, और कुछ, पूछो पूछो फटाफट. सुजल का विचारायचं आहे. यश वेलकम बैक. प्रतीक तू एक पण नाही प्रश्न विचारला अजून. प्रतीक कोणतरी जॉईन झालं. अरे वा, 20 थे हम लोग, 22 हो गए. गुड, अरे गया वापस एक कोई. हाँ प्रतीक, प्रतीक काही प्रश्न नाही, डाउट नाही. अश्विन तुझा पण काही डाउट नाही. निरंजनाने पण काही डाउट नाही विचारले असं का. सुजल शिंदे लेफ्ट. ओके आला का तू परत. ओके जाऊन आलास तू, क्विक आलास परत. मला इकडे माहिती मध्ये समजून आलं ना. हा बरोबर. ओके और कुछ पूछना है किसी को. बायपोलर, हाँ बायपोलर सर, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर का डेफिनेशन बताओ ना सर, वो तीनों का डेफिनेशन. देखो ये ना न्यूरॉन का सेल है, सेल मतलब ये पार्ट है सेल का, इसको कहते हैं साइटोन. क्या कहते हैं, साइटोन से अगर एक ही प्रोजेक्शन निकला तो उसको यूनिपोलर बोलते हैं, अगर दो प्रोजेक्शन निकले तो बायपोलर, और बहुत सारे प्रोजेक्शन निकलेंगे तो मल्टीपोलर. बेटा डायग्राम देखोगे तो शायद इजीली समझ में आ जाएगा, है ना. हमारे बुक में डायग्राम दिया है. नेटवर्क इशू हो रहा है सर, वो सर नेटवर्क इशू हो रहा है सर. हाँ एक इशू हो रहा है सर. दो मिनट बेटा, बीच में वो ब्रेक हो रहा है, समझ रहे नहीं. ये देखो इधर तीनों दिखाए, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर. यस सर. जैसे ये ड्रॉ किया ये मल्टीपोलर है बराबर, बट अगर ये ऊपर नहीं होते, सिर्फ एक लाइन होती तो क्या कहते इसको,
बायपोलर, बायपोलर तीनों दिख रहे, देखो आपको तीनों दिख रहे डायग्राम में, बट उसका जो सेल सेल बॉडी है उसका वो मतलब बीच में रहेगा ना सर, वो एक्सॉन के बीच में रहेगा ना। देखो यूनिपोलर जो है ना उसमें सेल बॉडी एकदम अलग है और उससे एक ही प्रोजेक्शन निकला है, बट बायपोलर में सेल बॉडी सेंटर में और दोनों तरफ प्रोजेक्शन है, और मल्टीपोलर में सेल बॉडी एक तरफ, मतलब प्रोजेक्शन मतलब, प्रोजेक्शन मतलब जो चीज बाहर निकलती है। ओके सर, जो चीज बाहर निकलती है, सपोज ये सेल बॉडी है, इससे इस तरफ ऐसा कुछ निकला और इस तरफ ऐसा कुछ निकला है, तो इसको आप बायपोलर बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ओके सर, ओके, यस सर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ऐसा मैं क्यों पूछते रहता हूं, पूछना है क्या, पूछना है क्या, आप पूछने के लिए तो बैठे हो, फटाफट पूछो और खत्म करो, घर नहीं जाना क्या सर? हाँ, टू जनरल कैटेगरीज इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप, याचा आंसर प्लांट एंड एनिमल है ना? हो, ओके सर। सर सेकंड लेसन का पूछू? हाँ, सिस्टमैटिक्स में बोलो। हाँ सर, वो तो पेज ऑन करेंगे सर। अच्छा करता हूँ सर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टडी करते हैं और उसका एक डेटाबेस बनाते हैं, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं, फिर दूसरा एक ऑर्गेनिज्म लेंगे उसके भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे और दोनों को मैच करके पता चलेगा कि उनमें कितनी सिमिलरिटी और कितना डिफरेंस है। अगर दोनों के ज्यादा कैरेक्टर्स मैच होते हैं इसका मतलब दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, और अगर कम कैरेक्टर्स मैच होते हैं तो इसका मतलब दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड। सर क्लस्टर एनालाइज क्या होता है, एल्गोरिथम लाइक क्लस्टर एनालाइज? क्लस्टर का मतलब ग्रुप, तो आपने क्या किया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का स्टडी किया और उनका ग्रुपिंग किया बराबर, और उसका एनालिसिस किया, yes, और कंपैरिजन किया, और ये करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। थैंक यू सर। ओके, एक्चुअली एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल प्रोग्राम जो आपको एनालिसिस करके देता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपने बोला था। हाँ सर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओमनीप्रेजेंट? प्रेजेंट ऑल ओवर, ऑल ओवर। बैक्टीरिया आर ओमनीप्रेजेंट, बैक्टीरिया आपको सब जगह नजर आएंगे। संस्कृत में कहते अत्र तत्र सर्वत्र। यस सर, बोला था शायद मैंने। नो सर, आई एम फ्रॉम संस्कृत। वाह, बरोबर बोलो ना मैं। हो सर। ओके, तुझे संस्कृत चे मैडम तुझे घरात राहतात ना? नाही सर, ट्रिक होता म्हणून सगळं लक्षात आहे। अच्छा, नाही पण संध्या मॅडम तुझ्या घराच्या खाली राहतात ना? हा, पण ते सायन्स शिकवतात सर। हा, पण ते संस्कृत पण शिकवतात। मी नाही त्यांच्या पण संस्कृत मध्ये शिकलो। ठीक आहे, हरकत नाही। चलो बोलो फटाफट, और काही सवाल होतो क्विक फायर शूट। Yes, anything else? सर एक क्वेश्चन आहे, म्हणजे हे एमसीक्यू आहे। बोल ना बेटा। कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फायलम टू विच द कॉकरोचेस बिलॉन्ग? हा, तर ऑप्शन आहे ए प्रेझेन्स ऑफ बोल माइक ना, माइक काम करत नाही आहे। ठीक आहे, मग पाठवून देणार मेसेज।
यस कुछ और हेलो सर एम आई ऑडिबल यस यस ऑडिबल हाँ सर तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ टीनोसोस एक्सोस्केलेटन सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी थर्ड है प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर अच्छा कॉकरोच का फाइलम है आर्थ्रोपोडा बरोबर यस सर यस सर माता याच्यातला कोणतं कॅरेक्टर आर्थ्रोपोडा मध्ये ते बघायला लागेल यार ऑप्शन ए आप लोगों को भी जवाब दिया आपने थैंक यू ठीक है हाँ बजने तो दीपक 10 बजे क्या 11 भी चलेंगे सारी चीजें कंप्लीट हो जाए ये सभी सेकेंड टॉपिक खोला है तो फटाफट आप सेकेंड टॉपिक भी देख लो और पूछ लो कुछ पूछना है तो सर पैरापोडिया पैरापोडिया जैसे फॉल्स फिट होते सुडोपोडिया पोडिया माने फिट पैर या लोकोमोशन के लिए ऑर्गन तो साइडवेज निकलते हैं उनको पैरापोडिया बोलते हैं ओके सर थैंक ये टॉपिक टू की बात हम कर रहे हैं टॉपिक टू में कुछ है तो पूछो सर वाटर आर्किबैक्टीरिया ओल्डेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड आर नोन एज आर्किबैक्टीरिया आर्कीचा अर्थ ओल्ड इतना सन्नाटा क्यों है भाई हाँ बोलो विच किंगडम शोज लिंक विद ऑल द यूकेरियोटिक मेंबर प्रोटिस्टा ओके सर थैंक यू सर सर विरोड्स विरोड्स का मतलब बताओ ना सर किसका विरोड्स स्पेलिंग बोलो V-I-R-O-I-D-S वायरॉइड ना वही वही सर हाँ वायरॉइड वायरॉइड वायरस से थोड़े से अलग होते हैं वायरॉइड वायरस में क्या होता है बाहर से एक प्रोटीन कोट होता है अंदर उसका डीएनए या आरएनए होता है बट वायरॉइड में बाहर प्रोटीन कोट नहीं है सिर्फ डीएनए आरएनए रहेगा ठीक है सर सर बोलो सर, आप जब सिखा रहे थे वायरसेस और ये वायरॉइड हाँ. वो लेक्चर थोड़ा ये मतलब नेटवर्क इशू रहता था सर तो समझ रहा नहीं था तो एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर दो ना वो दोनों वायरस और वायरॉइड को शॉर्टली एक्सप्लेन करूं ठीक है यस सर ओके सबसे पहला वायरस जो होते हैं उनमें प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए जबकि इनमें चलो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए जबकि इधर नो प्रोटीन कोट ओनली आरएनए सेकेंड वायरस जो होते हैं कैन इन्फेक्ट प्लांट्स एनिमल्स और बैक्टीरिया जबकि वायरॉइड इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स ठीक है सर हाँ सर प्रोटीन कोड मतलब वो जेनेटिक मटेरियल बाहर का कवर बेटा वायरस का बाहर का कवर ओके सर ओके वो कैप्सूल जैसा होता है ना जिसके अंदर वो डीएनए उसका होता है या आरएनए होता है वो कवर को प्रोटीन कोट कहते हैं कोट क्या होता है कोट आप चढ़ाते हो सर आम बॉडी पे कवर करते हो ठीक है यस सर यस सर तो यहाँ पे प्रोटीन कोट और डीएनए आरएनए है
उधर प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ आरएनए है, ये सब टाइप के वायरस है, वायरस सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। फिर वायरस जो है कैन रिमेन वीडियो सर अभी क्लियर है सर, हो गया क्लियर है सर। चलो ओके, व्हाई फंगाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, काय काय व्हाई फंगाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और फंगाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। चलो okay, इसको कंप्लीट करो, तीसरे पॉइंट को पहले। यस सर। हाँ, ये डॉर्मेंट या इनएक्टिव रहते हैं, बॉडी में जाने के बाद अंदर रह सकते हैं, लेकिन ये डू नॉट रिमेन डॉर्मेंट, यानी जैसे इनका इन्फेक्शन होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा प्लांट में इसका इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, so, मतलब वो अपने मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं होते ना, मतलब प्लांट्स होते हैं। क्या क्या लिखा है, ये क्या है वर्ड, प्लांट्स। हाँ ओके ओके सर, अच्छा है ना, वरना कोरोना से परेशान थे और वायरल आ जाते। सो पीएबी क्या लिखा सर आपने, पीएबी किधर, सेकंड पॉइंट ये ना। हाँ हाँ, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया। ओके सर, वायरस तीनों को इन्फेक्ट करते हैं ना। यस यस। ओके सर, हाई सैलिनिटीज का मतलब क्या बेटा? सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो आपने अभी आर्की बैक्टीरिया पढ़ा होगा ना, आर्की बैक्टीरिया पढ़ा ना आपने? यस सर। हाँ, तो आर्की बैक्टीरिया जो है ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल, मतलब जिधर खारा ज्यादा है, मतलब सॉल्ट ज्यादा है। कतेनी का माइक चालू हो गया था। तो जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है वहां पे बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, बट ये बैक्टीरिया रह लेते हैं। ठीक है, तो उसको नाम है हेलोफाइल्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? हेलोफाइल्स। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, भरपूर। मोस्ट ओके सर। सर बोला, हु रेफर्ड वायरस एज कॉन्टेजियम विवियम फ्लुइडम? अरे वाज की रे, पुस्तका मध्ये रे साइंटिस्ट नाव दिले ना, वायरस चा पार्ट ओपन करून बघितलास का तू? नाही सर। काम आम बघ ना शेवटचा पेज, होस्ट सेल क्या होता है सर? होस्ट सेल जिसको इन्फेक्ट करेगा वायरस। ओके सर। सर वीडियो इज पॉज्ड सर। ओके तो नाम मिला बेटा आपको सर? एमजे बिजरनिक। यस सर। हाँ,
इन्होंने ये वर्ड यूज किया था वाइवम कंटीजियम फ्लूइडम, मतलब क्या कंटीजियम मतलब जो कॉन्टेक्ट से फैलता है, फ्लूइड फॉर्म में भी कॉन्टेक्ट से फैलता है, और वाइवम मतलब पॉइजनस। मार्टिनस विजरनिक सर वीडियो पॉज, 5 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके हाँ बोलो सर, फुल नेम टेंसर मार्टिनस विजरनिक है। हाँ ठीक है ना बेटा, आपका विजरनिक लक्ष्य डेवलप सफिशियंट है। ओके सर, हाँ खूब सारी नाव आहेत ना रे लक्षात ठेवायची, सगळी कुठे लक्षात ठेवणार। हाँ बोलो, कोई और कुछ बोल रहा था? हाय फिर, हाँ बोलो क्या? हाय फिर मतलब क्या? नहीं समझा कतिया, वापस बोलो। हाइफे, हाइफे, अच्छा ओके ओके, हाइफे फंगाई पढ़ रहे हो क्या? यस। ओके तो इधर ही दिखा देता हूँ, फंगाई से ये देखो, ये जो निकले ना ये देखो, ये सब जो निकल रहे ना फंगाई से प्रोजेक्शंस, जिसपे मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं, ये सब हाइफे कहलाते हैं, यानी उसकी ब्रांचेस को आप हाइफे बोल सकते हो। ओके ओके यस, और कुछ? सर 3 types ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया। हाँ ओके सर, आणखीन काही? इतना शांति क्यों है? सर फोर्थ लेसन आ रहा है, विचारो। हाँ बोल ना बेटा। वीट्स ऑफ फाइलम इंक्लूड्स द ट्यूनिकेट्स और एस्किडिनस। नहीं समझ लो, weeds of phylum includes the tunicates or ascidians. नाही कळलं रे, आवाज कट होतो तुझा। जरा टाइप करून टाक ना बेटा। Which subphylum includes tunicates or ascidians? किसी और को पता है कि इसका आंसर? सर रिपीट करो सर क्वेश्चन, डाला है ना रे चैट में। अच्छा उसने मुझे डाला है, ओके ओके।
मिला ना क्वेश्चन सबको? यस सर, पता नहीं सर। ट्यूनिकेट्स और एसिडियंस, ये शायद फाइलम एस्लेमिंथस में होना चाहिए। यूरोकार्डेटा। अच्छा, यूरोकार्डेटा मतलब सेकेंड लास्ट फाइलम ना इन वर्टिब्रेट्स का। यूरोकार्डेटा, यूरो जो भी हो। तो सेंटेंस लिखा है सर उधर? हाँ, एक मिनट, उधर ही पहुंच रहे बेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और इधर गया रे। एक मिनट शुभांगी, 36 पेज नंबर वर है सर। हाँ पण तिच्या मागचं पुढचं काय आहे? पेज नंबर 36। मैं आगे चला गया क्या? यस सर। कौन से फाइलम के बाद है रे? फाइलम कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा। सर गेला खाली, सर खालती गेला आता, खाली गेलो। स्पीड जास्त आहे सर, 36 पेज नंबर। हाँ माझ्याकडे 36 नाही ना बेटा, मी पीडीएफ ओपन केले ना। एनएलएच्या नंतर आहे का सर? कॉर्डिनेटा मध्ये। हा मग कॉर्डिनेटा तर खाली आहे ना, मी कॉर्डिनेटाकडेच पोहोचलो होतो ना मग। सर नाम के पुढे इसके, इसके बाद ना कॉर्डिनेट आएगा अभी। हाँ ह्याच्या नेक्स्ट पेज वर आहे आता। हाँ हाँ ये युरो कॉर्डिनेट आहे का सर? हाँ, ये क्या सामने देख रहा है बेटा स्क्रीन पे? ओके सर, ओके सर। हाँ शुभांगी, आपने हैंड रेज किया था, बोलो। नहीं सर, गलती से हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे हाई कर रहे हो क्या? हाय सर। नहीं नहीं, अच्छा हाई नहीं करोगे मुझे? सर व्हाट इज द लैटरल लाइन सिस्टम? व्हाट इज lateral line system? lateral line system, yes sir। yes topic मत लेगा? हो सर। नाही बाबा, मला बघायला लागेल। मी किंगडम एनिमल नाही शिकवलं बेटा बऱ्याच काळामध्ये। हा बोला, कोण आंसर देत आहे? फिश, पायसेस मध्ये असतो। फिश मध्ये? Yes sir। हे पाइसेस, हाँ हे इकडे आहे। लॅटरल लाईन सिस्टम, डिटेक्शन ऑफ वॉटर करंट। ओके ओके ओके। थैंक यू। ये इधर फाइलम पाइसेस सब, ये क्लास पाइसेस बेटा, सुपर क्लास पाइसेस। फिश यहाँ पे ना? यस सर, सर मिला मिला। यूरो कॉर्डेटा के बाद? यस सर मिला। और कुछ किसी को पूछना होगा तो पूछो, इधर की इधर जवाब भी मिल जाएगा फटक से। ऐश्वर्या कुछ पूछ रही है। लैंसलेट्स, ओके, ये वर्ड किधर है ऐसा पूछ रहे हो क्या? ये इसका मीनिंग पूछ रहे हो? यस सर, मीनिंग। मीनिंग पूछ रहे हो, कहाँ पे है वर्ड बताओ? 36 पेज नंबर, सेफेलोकॉर्डेटा। अच्छा, ये नाम है उसका, एक इनवर्टिब्रेट है ये। The type of fish। हाँ, it is a type of fish बोल सकते हैं। Fish like बोलते हैं उनको, fish like। इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर रहेगा। They belong to सेफेलोकॉर्डेटा। छोटे फिश को बोलते हैं सर? हाँ, जो छोटे फिश को नहीं बोलेंगे, फिश जैसे होते ही है। यस सर, यस वही। एंड दे बिलोंग टू सेफेलोकॉर्डेटा। यस सर।
और कोई सवाल किसी के? कौन गया? कोई तो गया सर। कल पंकज सर आएंगे रिवीजन लेने की। हाँ बात करता हूँ बेटा, अभी सर अवेलेबल है कि नहीं मुझे खबर नहीं है, बट पूछ लेते हैं। अपना और एक सेल टॉपिक भी है ना? हाँ यस सर, सेल ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। ठीक है। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर। पंकज सर आएंगे कल रिवीजन लेने के लिए। कौन कौन? पंकज सर ना? हाँ हाँ अभी बात नहीं हुआ है उनसे, बात करता हूँ पूछता हूँ अवेलेबल है क्या, क्योंकि वो कहीं बाहर जाने वाले थे ऐसा उन्होंने बोला था, इसलिए लेक्चर भी मैंने लिए। ओके सर चलेगा चलेगा, रहने दो सर। ओके ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर द डे। नो सर नथिंग एल्स। ठीक है दीपक ने बोल दिया, बाकी लोग बोलना चाहेंगे कुछ? टेन 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 सर। जयेश ने भी लिख दिया ऑल डन। ठीक है सो गुड नाइट।